पैदल ही आइबो तोरे द्वारे ओ भोलेनाथ। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। सावन की पहली सोमवार, पहली सोमवारी को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अहले सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िया श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने अपने कांवड़ में गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पर निकल रही है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांवड़िया श्रद्धालुओं की एक टोली है और टोली अपने अपने कांवड़ में गंगा जल भर कर अब बैजनाथ धाम के लिए रवाना होगी। हम कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए? बम सूरत से। बम आए सूरत से? जी बम। कितने बार इसके पहले आ चुके हैं? 3-4 बार आ चुके हैं। कितने दिनों में पहुँचते हैं? हम लोग तो 5 दिन लगते हैं। बाबा के प्रति कितनी आस्था है? बहुत आस्था है बाबा। 2 दिन में प्रोग्राम बना है इधर। हाँ, पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, 2 दिन में बाबा ने अट्रैक्शन से हम लोग इधर आ गए। बाबा के प्रति कितनी आस्था? बाबा के प्रति तो ऐसी आस्था है कि हर साल हम लोग को जो है जाने के बाद फिर आने की लगी रहती है, और होली के बाद ही सारे ग्रुप के लोगों का ये एक दूसरे से संपर्क शुरू हो जाता है कि किस समय कांवड़ यात्रा शुरू होगी, और पूरे सब जोश के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग लगभग 10-15 सालों से आ रहे हैं और बाबा से यही मन्नत करते हैं कि हम लोग हमेशा आते रहें और इसी प्रकार बाबा के ऊपर जलाभिषेक करते रहें। यात्रा कैसे होगी? 105 किलोमीटर लंबी यात्रा है। बहुत ही आनंदमय यात्रा है। बाबा का नाम लेते रहिए, यात्रा करते रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और क्या नाम हो? विकास तुलस्यान। सूरत से? मुजफ्फरपुर से। ये मुजफ्फरपुर से। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। माता बम, कहाँ से आई है? हम आए बुरहानपुर से। बाबा के प्रति कितनी आस्था? बहुत आस्था है हमारी तो, बहुत ही आस्था है। कितने दिनों से आ रही है? मैं तो 34 साल से आ रही हूँ। 34 साल? हाँ। बाबा से कुछ मांगे होंगे, पूरा हुआ होगा तब लगातार आ रहे? बहुत देता है मेरे को तो। हा? बहुत दिया है। बहुत कुछ दिया है? दिया है। अब क्या मांगिएगा बाबा से? कुछ नहीं मांग, बहुत दिया है, क्या मांगेंगे। यात्रा कैसे होगी? 105 किलोमीटर लंबी? बहुत अच्छी से, बहुत आराम से होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई तकलीफ नहीं? बाबा साथ है, कोई डर नहीं है। और कुछ बम है, उनसे बात करते हैं। बम जी देखिए, बम जी कितने मस्ती में। सवारी पैदल ही आइबो तोरे द्वारे ओ भोलेनाथ, पैदल ही आइबो तोरे द्वारे। कहाँ से आए बम? सूरत, गुजरात। पूरा मस्ती में झूम रहे हैं बाबा की भक्ति में? तो मस्ती के लिए आए हैं तो मस्ती में झूम रहे हैं। बाबा पर कितनी आस्था है? बाबा पर एकदम पूरी आस्था है। लंबी दूरी है 105 किलोमीटर, कैसे कटेगी ये कांवड़ यात्रा? वो पहला दिन चलना है, दूसरे दिन का चिंता उनकी है, वो क्या कटेगी नहीं कटेगी, अपना काम चलना है, मस्ती में चलना है। बाबा ही पार लगाए हैं, बाबा ही बुलाए हैं। बाबा ही बुलाए? हाँ। कितने दिनों से आप आते हैं बाबा के दरबार में? लगभग हो गए मेरे को 24-25 साल। हाँ। बाबा से क्या मांगे थे, क्या मिल गया जो लगातार आ रहे हैं? इनसे मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इनसे मिलते रहिए, अपने आप सब पूर्ति हो जाएगा। मिलने से पूर्ति हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। इनको मालूम है ना कि इनको क्या चाहिए, वो न हमको मालूम है कि हमको क्या चाहिए। हमारे मांगने की कैपेसिटी इतनी है, हम उठाएंगे तो अपने हाथ जितना उठाएंगे, वो देंगे तो अपने हाथ जितना देंगे। मैंने ओघर दानी को सब चीज की जानकारी है। हाई रहते, इसमें कोई फर्क है? तो एक बार बाबा का जयकारा हो जाना चाहिए। बोल बाबा बैजनाथ की, बोलो बाबा बैजनाथ की, बोलो मैया पार्वती की। तो इस तरह से सावन की पहली सोमवारी पर जो आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, देश के अलग अलग हिस्सों से जो कांवड़िया श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं, काफी उत्साहित हैं सोमवारी पर जल उठाने के को लेकर, और इनकी यात्रा यहां से प्रारंभ होगी और झारखंड बाबा बैजनाथ को जलाभिषेक के साथ ही संपन्न होगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्ट्रीम सुल्तानगंज।